मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के आदेशानुसार जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार मैडम के द्वारा बीएमओ डॉक्टर प्रमोद अर्गल सर के मार्गदर्शन में एवं जेल अधीक्षक महेंद्र रघुवंशी की उपस्थिति में उप जेल बड़नगर में SCF के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बंदी एवं स्टाफ के लोगों का टीवी HIV एवं सुगर की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें लगभग 128 की जांच की गई। टीवी संभावित 24 लोगों के सैंपल के लिए सभी HIV और सुगर की जांच की गई। इसमें उपस्थित जगदीश अजमेरी HDM, पंकज चित्तौड़िया ST LS, मुकेश शुक्ला CHR, अर्जुन डोडिया लिंक वर्कर एवं उनके साथ ही उपस्थित रहे। देखे उज्जैन से राधेश्याम सावरा की यह रिपोर्ट। जाके आपने शिविर लगाया, किस आधार से लगाया? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार BDO डॉक्टर सुनीता परमार मैडम के माध्यम से हमारे BMO डॉक्टर प्रमोद अर्गल साहब के सानिध्य में और अपने जेल अधीक्षक महोदय महेंद्र रघुवंशी सर के उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः TB, HIV और शुगर की जांच की गई। यहाँ पे कम से कम 117 बंदी तो हैं यहाँ पर, जो विचाराधीन है या वो है, साथ में उनके साथ में पूरा स्टाफ है, उन सभी की HIV शुगर अपने टेस्ट किए हैं। ये लगभग 128 से 30 के आसपास की संख्या होगी, जिसमें कुछ लाक्षणिक TB के मिले हैं लोगों को, तो उसमें 24 लोगों को TB का स्पोटम जांच करने के लिए लिया है। अगर उनमें से किसी को ये चीज़ पाई गई, TB की शिकायत पाई गई, तो उनको हम TB की दवाई प्रोवाइड करवाएंगे। ये सर, इसके पहले आपने और भी जाके इलाज करा के मरीज का? बहुत सारी जगह ये तो चलेगा, सतत प्रयास है हमारा। अच्छा। और मेन तो हमारे BDO मैडम का है कि वो चाहती है कि जितना जल्दी हो जाए वहाँ अपने ACF लगाएं। ACF मतलब एक्टिव केस फाइंडिंग, जहाँ घर घर जाके या अपन कैंप लगा के TB के मरीजों की खोज करते हैं। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश अजमेरी, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, और मेरे साथ में काम करें मेरे साथी ST LS पंकज चित्तौड़िया जी और CHR मुकेश शुक्ला जी। इसी के साथ लिंक वर्कर में हमारे अर्जुन डोरिया जी, वो भी हैं, HIV टेस्ट करते रहे हैं, और साथ में एक और उनके बंदे हैं। थैंक यू सर।